बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तैयार कर लेते हैं कैरमल खीर या फिर फिरनी आप कह लें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह भगोना लेकर मैंने पानी ऐड कर लिया है ताकि आपका दूध नीचे नहीं लगे, और डाल देती हूँ 1 लीटर लॉन्ग लाइफ मिल्क। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फुल फैट। आप फ्रेश मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बॉयल आने तक हम इसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ देखिए, क्वार्टर कप सोक किए हुए लॉन्ग राइस मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो रेगुलर नॉर्मल राइस यूज़ कर सकते हैं। इसे कोर्सली हमें इस तरह से ग्राइंड कर लेना है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना। और देखिए, उबाल आ चुका है। चूल्हा यहाँ पर हम मीडियम टू लो कर लेते हैं, और स्टर करते हुए हमें इस पेस्ट को, चावल के पेस्ट को ऐड करना है, वरना लम्स पड़ सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। एकदम से लम्स फ्री हमारे चावल जो है मिक्स हो चुके हैं। साथ में मैं यहाँ डाल देती हूँ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें बड़ी किशमिश मैंने यूज़ की है, साथ में स्लाइस किए हुए बादाम हैं और पिस्ते डाल देती हूँ। थोड़े से बचा ले गार्निशिंग के लिए, और इसे अच्छे से मिलाकर आप पकने छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। और इधर हम रेडी कर लेते हैं कैरमल, जिसके लिए 1 टीस्पून घी या फिर बटर आप डालकर मेल्ट होने दें। और जैसे ही घी मेल्ट हो जाता है, हम डाल देते हैं 1/2 कप शुगर। इसे भी अच्छे से स्प्रेड करके आप छोड़ दें मीडियम टू लो फ्लेम पर। 1 से 2 मिनट में आपकी शुगर कैरमलाइज हो जाएगी। देखिए, खीर भी अच्छे से पक रही है हमारी। और आहिस्ता से आप स्पैचुला की मदद से इसे स्टर करेंगे, और ख़ुद ही कलर चेंज होते हुए हमारा कैरमल जो है रेडी हो जाएगा। देखिए आप, अच्छे से एक सिरप की शक्ल में आ जाना चाहिए। कैरमल रेडी है हमारा। तब यहाँ थोड़े से बटर पेपर पे मैं 2 बड़े चम्मच कैरमल को इस तरह से स्प्रेड करके छोड़ देती हूँ इसे ठंडा होने। हम यहाँ रेडी कर रहे हैं कैरमल बाइट्स। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो तैयार कर लें या फिर स्किप कर सकते हैं। अब देखिए, कैरमल में हमने डाल दिया है 2 टेबलस्पून पानी, और इसे अच्छे से स्टर कर लें। सिजलिंग से कैरमल को हमने थोड़ा सा कूल डाउन कर लेना है, इसीलिए हानी का इस्तेमाल किया है। अब देखिए, कैरमल रेडी है, और खीर जो पक रही है हमारी, उसमें हम पोर कर लेते हैं ये कैरमल को, और डालकर अच्छे से मिला लेते हैं। अच्छे से मिक्स करके हम इसे मज़ीद 5 मिनट छोड़ देते हैं पकने के लिए। आप इस खीर में चाहें तो खोआ भी ऐड कर सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की थी। फिर बना लेते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप फिरनी को रिच बनाना चाहें, तब आप ज़रूर इसे बनाकर डालें। इससे जो है हमारी कैरमल खीर और भी शानदार बनकर रेडी होती है। यहाँ इस तरह से 1 टीस्पून बटर मैंने डालकर, 1/2 मिल्क पाउडर और 1/2 दूध इक्वल क्वान्टिटी में हमें डालते हुए कंटिन्यूसली स्टर करते जाना है, नहीं तो ये नीचे लग सकता है। झटपट सा ये रेडी हो जाता है, ज़रूर ट्राई कीजिए। कोई भी मीठे में आप इसे डाल सकते हैं। साइड्स जैसे ही ये छोड़ने लगे और शेप फॉर्म होने लगे इसका, तब आपका होममेड खोआ जो है बनकर एकदम से रेडी है। यहाँ चूल्हा बंद कर देती हूँ मैं। डाल देते हैं खीर में, 3/4 मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ, 1/4 के करीब मैं बचा लूँगी। कोई भी ओकेजन्स के लिए या फिर सेलिब्रेशंस होते हैं घर पर, या मेहमान आ जाते हैं, तब आप इस रिच डेजर्ट को ज़रूर ट्राई कीजिए। इधर जो पोर किया था हमने कैरमल, वो ठंडा हो चुका है। इस तरह से ब्रेक कर ले, आसानी से निकल जाते हैं, और रेडी है कैरमल बाइट्स। और सबसे लास्ट चूल्हा बंद करके मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून रोज़ वाटर, या फिर एसेंस भी आप शामिल कर सकते हैं, ना हो तब आप स्किप कर दें, बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसे ठंडा होने छोड़ देते हैं। कैरमल खीर ठंडी हो चुकी है, और मैंने इसे डेकोरेट कर लिया है, खोआ है साथ में, ड्राई फ्रूट्स और कैरमल बाइट्स जो हमने रेडी करके रखे थे, ये साइड से मैंने इसे डेकोरेट कर लिया। तो आप भी ज़रूर मेरे इस डेज़र्ट को ट्राई कीजिए। कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको मेरी कैरमल खीर या फिरनी कैसी लगी। कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप, एकदम से परफेक्ट आई है। आप चाहें तो इसे फ्रिज में मज़ीद ठंडा होने छोड़ सकते हैं। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तब सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरे वीडियोस को लाइक दीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। रिमेनिंग जो शेविंग्स थे कैरमल के, वो इस तरह से मैं डाल देती हूँ। इसका क्रंची इफ़ेक्ट बहुत ही टेस्टी होता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।